तो क्या हाल है भाई लोग, कैसे हो सब? बहुत दिनों बाद बहुत बना रहा हूँ मैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जीटी के काम के मॉड्स की और बेकार के मॉड्स की, ठीक है? तो यार आज मैंने बहुत ट्राई कर लिया ब्लॉग बनाने का, पता नहीं कुछ ना कुछ इशूज़ आ रहे हैं माइक के साथ, तो ऐसे ही बना रहा हूँ। तो पहले मैं राइट करके बना रहा था, पहली बार ट्राई कर रहा था, तो जितना हुआ है उतना देख लूँगा, डाल दूँगा, अगर सही आया होगा तो, नहीं आया होगा तो फिर भाई कोई बात नहीं, ठीक है? ऐसे तो बना ही रहा हूँ। तो कहाँ स्टार्ट करें, कहाँ स्टार्ट करें? ठीक है, आगे से स्टार्ट करते हैं। ओके, विंडशील्ड अच्छी है, काफ़ी काम की रहती है। थोड़ा सा जब टक इन करते हो तो काफ़ी बेटर फील होता है कंपेरेटिवली सोचा जाए तो, ठीक है? मिरर्स मत लगवाना, बहुत बुरी हालत होती है जब इसको फ़िल्टर करना पड़ता है, और बाइक हैवी वैसे ही है तो काफ़ी मतलब लगता है कि यार अगर नहीं होता तो अच्छा था। और 6,000 के हैं वैसे भी, तो टेंशन बहुत रहती है। सस्ते वाले लगवा लो, जावा वाले आते हैं वो, फिर वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं, 1800-2000 के आते हैं, ठीक है? और तो भाई मैंने बता दिया मिरर्स, अगर एस्थेटिक बहुत ज़्यादा चाहिए तो लगवाना, अगर नॉर्मल से काम चला लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मिरर्स बस टेंशन ही देते हैं, ठीक है? देखो इस क्रैक भी है एक दिख रहा हो तो, हाँ दिखा 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 दिख गया, ठीक है? ओके, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद इंजन गार्ड, ये लगवा लेना। हमने छोटा तो लगवा रखा है, बस बड़ा लगवा लेना, क्योंकि भारी बाइक है, अगर थोड़ी भी टिप ओवर होती है तो फिर ये नीचे ही जाएगी, ठीक है? तो अगर नीचे ही जाएगी तो कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए इसको होना चाहिए। लोग तो यहाँ पर भी मतलब पूरा कवर करवा लेते हैं इसको, तो दैट इज़ इसको यहाँ पर भी पूरा कवर करवा लेते हैं तो अच्छा लगता है वो, कुछ कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ कुछ ख़राब भी लगते हैं, ठीक है? व्हाट एल्स LED हैज़ार्ड सस्ते ही आते हैं तो लगवा सकते हो, कूल भी लगते हैं रात में चलते हुए, और इंडिया में तो लोग ऐसे ही चलते हैं तो भाई हैज़ार्ड हैज़ार्ड सब चलने ही चाहिए, क्योंकि अभी बहुत हालत बॉल आ गई थी, मैं दोस्त क्रिकेट खेलना बोल रहे और इनकी बॉल आ गई थी, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है? तो इसके यार ट्यूब टायर्स की वजह से इसका पंचर रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए सेंटर स्टैंड लगवाना बहुत ज़रूरी है इस बाइक के साथ। और आरी वाले स्टॉक देते नहीं हैं सेंटर स्टैंड, कॉन्टिनेंटल जीटी के साथ नहीं देते, इंटरसेप्ट के साथ देते हैं शायद, यस, तो वो मत करवाना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका जो पीछे का ये फ्रेम है ये कटवा लेते हैं, ये जो फ्रेम है पीछे का ये कटवा लेते हैं। और इसको कटवाने का फ़ायदा क्या होता है, बाइक लुक्स वेरी कूल, बहुत ही कूल लगती है यार, ठीक है? तो पर यार उससे बाइक की फंक्शनलिटी ख़त्म हो जाती है, और सारा जो कीचड़ होता है, जैसे अभी हमारे यहाँ दिल्ली में 2 दिन बारिश हुई है तो वो फिर सारा कीचड़ जो होता है ना वो ऊपर ही फेंकती है, ये भी सारा फेंक रही है, देखो यहाँ तक फेंक रही है, यहाँ तक फेंक रही है पर ऊपर नहीं आ रहा एटलीस्ट, फिर अगर इसको टेल को कटवा लोगे तो फिर वो पूरा ऊपर ही आएगा सब, और मतलब फिर देख लो भाई पसंद है तो ठीक है। मास्टर सिलेंडर, यस, आरी का मास्टर सिलेंडर हम अपग्रेड करवा सकते हैं, अच्छी अपग्रेड है, बढ़ देता है, जितनी अच्छी ब्रेकिंग उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उतनी अच्छी लगती है फिर बाइक भगाने में, ठीक है? तो वो एक और चीज़ जो आप कर सकते हो, ठीक है? तो और एग्जॉस्ट लगवा लेना यार, एग्जॉस्ट तो मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि स्टॉक वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब म्यूटेड है, आवाज़ बहुत कम है, और एक्चुअल जो साउंड ट्रैक है आज का तो मतलब जीटी का वो बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप नहीं सुन रहे हो तो सुनो यार एक बार, ठीक है? मैं डाल देता हूँ सलाह के लिए, वेट चलो। हाँ तो भैया जीटी के लिए एग्जॉस्ट लगवाना तो मैंडेटरी है, हमने EW के लगवा रखे हैं, 18,000 का सेट आता है, ये दो आते हैं और काफ़ी स्लिम हो जाते हैं पीछे से, वरना जो बाकी स्टॉक वाले आते हैं वो काफ़ी बड़े भी हैं, इससे हैवी भी हैं और बहुत ज़्यादा म्यूटेड भी हैं, आवाज़ का भी मज़ा नहीं आता, इसलिए फिर एग्जॉस्ट लगवाना ज़रूरी है। बाकी थोड़ा ऐसे मत लगवाना कि बहुत ही ज़्यादा फटे हुए हों, थोड़े कम फटे हुए लगवाना, जैसे जिससे सूदिंग वैसा है, मैं आपको इसके बाद सुना देता हूँ एक बार। आइडल साउंड ट्रैक है, अगर चाहते हो सुनो, मतलब इंजन की कैपेबिलिटी है भाई, 270 डिग्री क्रैंक से आवाज़ अच्छी आती है, 180 से थोड़ी ख़राब आती है। चलो लेट्स रैप इट अप हियर। तो भाई बताना मेरे को कैसा लगा ये व्लॉग, और मैं तो करी थी तो लाइक करना, शेयर करना, बाकी पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करना। बाय गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।